मेरे youtube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे youtube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे GMAW, CO2 वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, मैग वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द नेम ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस इफ द आर्क प्रोड्यूस बाय अ कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड इज प्रोटेक्टेड बाय इनर्ट गैस? वेल्डिंग करने की प्रक्रिया का नाम क्या है अगर ये कंज्यूमेबल धातु इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पादित आर्क को निष्क्रिय गैस द्वारा संरक्षित किया जाता है तो ऑप्शन ये है मैग वेल्डिंग। ऑप्शन बी है मिग वेल्डिंग ऑप्शन सी है टिक वेल्डिंग ऑप्शन डी है प्लाज्मा वेल्डिंग तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मीग वेल्डिंग मीग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द जे एम ए डब्ल्यू वायर फीड यूनिट जे एम ए डब्ल्यू वायर फीड यूनिट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है तो यहाँ पे ऑप्शन ये है गियर बॉक्स ऑप्शन बी है सेंटर गाइड ऑप्शन सी है आइडलर गियर ऑप्शन डी है वायर फीड रोलर तो यक्स चिन्ह नामांकित जो पार्ट है उसका नाम है ऑप्शन सी गियर यह आइडलर गियर का काम होता है वायर को आगे ढकेलना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द जेएमए डब्ल्यू जे एमएडबू में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है तो इस फिगर में हम देखते जे एम डब्ल्यू में तो ये वेल्डिंग टार्च जो बताए इसमें मार्क एक इसमें ऑप्शन ये है इलेक्ट्रोड वायर ऑप्शन बी है कॉन्टैक्ट टिप ऑप्शन सी है नोजल ऑप्शन डी है सीओ गैस तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी नोजल ये नोजल इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज थर्मिट पिक्सर इग्नाइटेड थर्मिट मिश्रण कैसे प्रज्वलित किया जाता है ऑप्शन ये है पेट्रोल द्वारा ऑप्शन बी है डीजल द्वारा ऑप्शन सी है फायर स्टिक द्वारा ऑप्शन डी है बाय मैच आर मैग्नीशियम रिबन तो ये जो थर्मिट मिक्सचर है ये इसे प्रज्वलित किया जाता है बाय मैच और बाय मैग्नीशियम रिबन तो आंसर है ऑप्शन डी बाय मैच आर मैग्नीशियम रिबन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सबमर्ज आर्क वेल्डिंग सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग की मशीन बताई गई है और इसमें एक्स मार्क किया गया है ऑप्शन ये है वायर फीडर ऑप्शन बी है ऑटो टार्च ऑप्शन सी है फ्लक्स ऑपर ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोड लीड तो इस मार्क पार्ट का नाम है ऑटो टार्च यहाँ से जो इलेक्ट्रोड है वो आते रहता है जो आपके ऊपर तो ऑप्शन बी इसका आंसर है ऑटो टार्च नेक्स्ट क्वेश्चन विच वेल्डिंग मेथड स्टार्टिंग ऑफ वेल्डिंग डन बाय यूजिंग स्टील ओल और आयरन पाउडर स्टील ओल या आयरन पाउडर का उपयोग करने करके वेल्डिंग की कौन सी वेल्डिंग विधि शुरू होती है ऑप्शन ये है एस डब्ल्यू ऑप्शन बी है जी टी ए डब्ल्यू ऑप्शन सी है जे एम ए डब्ल्यू ऑप्शन डी है एम एम ए डब्ल्यू तो आयरन पाउडर का यूज ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में किया जाता है तो ऑप्शन ये रहेगा आंसर ये से डब्लू मतलब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द गैसेस मिक्स फॉर शील्डिंग इन एफ सी डब्ल्यू एफ सी डब्ल्यू में शील्डिंग के लिए मिश्रित गैस कौन सी होती है तो एफ सी डब्ल्यू यानी फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग होती है और यहाँ पे जो मिक्सचर गैसेस यूज किए जाते हैं तो ऑप्शन ये है एरगॉन एंड ऑक्सीजन ऑप्शन बी है एरगन एंड सीओ ऑप्शन सी है कार्बन डाइ ऑक्साइड ऑप्शन डी है एरगॉन एंड हेलियम तो इसका आंसर है एरगॉन एंड सीओ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लग्स कोड वायर आर यूज इन एफ सी एडब्ल्यू एफ सी एडब्ल्यू में कितने प्रकार के फ्लक्स कोटेड तारों का उपयोग किया जाता है तो एफ सी मतलब फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में दो टाइप्स के वायर का उपयोग किया जाता है कोटेड वायर का तो ऑप्शन ये टू तो टाइप्स आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट फेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी एंड इंफ्रारेड रेडिएशन ड्यूरिंग वेल्डिंग वेल्डिंग के दौरान अल्ट्रावायलेट और इन्फ्रारेड विकिरण से चेहरों की रक्षा के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ये है ब्लू गागल्स ऑप्शन बी है प्लेन गागल ऑप्शन सी है वाइट गागल ऑप्शन डी है हेलमेट विथ फिल्टर्ड कलर ग्लास मतलब फिल्टर के फिल्टर किए गए रंगीन ग्लास के साथ हेलमेट का यूज किया जाएगा तो ये ऑप्शन डी आंसर होगा हेलमेट विथ फिल्टर्ड कलर ग्लास अल्ट्रावाट रेड रे और इंफ्रा रे से संरक्षण करता है चेहरे का नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई इज यूज टू प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम बर्निंग इंजरी। हाथ को जलने की चोट से बचने के लिए किस सुरक्षात्मक उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए है एप्रॉन ऑप्शन बी है गॉगल ऑप्शन सी है प्रोटेक्टिव सील ऑप्शन डी है लेदर ग्लोव तो हाथ को जलने से बचने के लिए लेदर ग्लोज का उपयोग किया जाता है आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन विच गैस इज जनरेटेड ड्यूरिंग जे एम ए डब्ल्यू ऑन यूजिंग सियो टू एज शील्डिंग गैस गैस को सिल्डिंग गैस के रूप में उपयोग करने के लिए जे एम ए डब्ल्यू के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो ऑप्शन ये है हेलियम ऑप्शन बी है कार्बन मोनाक्साइड ऑप्शन सी है एरगोन ऑप्शन डी है ऑक्सीजन तो जी में सीओ गैस सिल्डिंग गैस यूज करते समय कार्बन मोनाक्साइड सात से बारह परसेंट ये उत्पन्न होता है और ऑक्सीजन भी उत्पन्न होता है लेकिन ऑप्शन में दोनों हैं तो इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनाक्साइड ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर व्हाट टाइप ऑफ लेंस शेड इज यूज टू फिक्स इन हेलमेट वाइल डूइंग मिग वेल्डिंग मिग वेल्डिंग करते समय हेलमेट में किस प्रकार की लेंस छाया तय की जानी है ऑप्शन ये है ये जीरो नाइन ऑप्शन बी है ये टेन ऑप्शन सी है ये इलेवन ऑप्शन डी है ये ट्वेल्व तो मिग वेल्डिंग में हेलमेट का यूज करने के लिए जो भी लेंस हैं वो लेंस यूज करते समय ये टेन लेंस होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ये टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंस सिडेड फिटेड इन ए हेलमेट एज़ पर रिकमेंडेशन ऑफ़ वेल्डिंग कोड फॉर सेटिंग ऑफ़ 150 एमपीएयर फॉर म्यूमेटल मतलब मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, म्यूमेटल के लिए 150 एमपीएयर की स्थापना के लिए वेल्डिंग कोड की सिफारिश के अनुसार हेलमेट में लगे लेंस सेट को क्या कहा जाता है तो ये जो ऑप्शन है ये हंड्रेड एम्पियर के नीचे है तो इसे ये नाइन यूज किया जाता है हंड्रेड से थ्री हंड्रेड एम्पियर का यूज करते समय ये ऑप्शन मतलब टेन ये टेन और ये इलेवन यूज किया जाता है और उसके ऊपर में जो होगा तो अब ये ट्वेल्व यूज किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ये इलेवन एम एम डब्ल्यू में ये इलेवन लेंस का यूज किया जाता है विच टाइप ऑफ एप्रॉन इज सुटेबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड रेडिएशन ड्यूरिंग वेल्डिंग वेल्डिंग के दौरान गर्मी और विकिरण से बचने के लिए कौन सा एप्रन उपयुक्त है ऑप्शन ये है सिल्क एप्रन, ऑप्शन बी है कॉटन एप्रॉन ऑप्शन सी है लेदर एप्रन, ऑप्शन डी है एप्रन। तो जनरली लेदर एप्रन और एप्रन का यूज किया जाता है लेकिन ये दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है तो इसका सही आंसर है एजबेस्टासन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन जेमेड वायर फीड यूनिट जेमेड वायर फीड यूनिट में भाग एक्स का नाम क्या है तो जो भी रोलर बताएं यहाँ पे रोलर बताएं ऊपर साइड में ऑप्शन ए है गियरबॉक्स ऑप्शन बी है वायर फीड रोलर ऑप्शन सी है सेंटर गाइड ऑप्शन डी है एडलर गियर तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वायर फीड रोलर वायर फॉर फिड रोलर ये ऊपर में रहता है ये चारों साइड में जो है वायर फीड रोलर ही और बीच का जो है उसे आइडलर गियर कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच एंगल ऑफ प्री सेटिंग इज टू कॉम्पेंसेट डिस्टार्शन ऑन हॉरिजेंटल सिंगल वी बट जाइंट मेटल थिकनेस टेन एम एम एंड रूट गैप टू एम एम पूर्व सेटिंग का कौन सा कौन क्षतिजय कल वी बर्ड जॉइंट मेटल की मोटाई 10 एम mm और रूट गैप 2 एम mm, पर विरूपन की कमी पूरी करेगा ऑप्शन ये है 173 डिग्री ऑप्शन बी है 178 डिग्री ऑप्शन सी है 180 डिग्री ऑप्शन डी है 183 डिग्री तो हरिजेंटल सिंगल वी बर्ड जॉइंट में 10 एम mm का मेटल थिकनेस है और रूट गैप 2 एम mm है तो डिस्टार्जन नहीं होने के लिए 183 डिग्री में उसे रखना पड़ेगा तो आंसर है ऑप्शन डी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक वेल्डिंग पोजिशन इन जी एम ए वेल्डिंग जे एम ए वेल्डिंग में बेसिक वेल्डिंग पोजिशन कितने प्रकार के ऑप्शन ए है टू टाइप्स ऑप्शन बी है थ्री टाइप्स ऑप्शन सी है फोर टाइप्स ऑप्शन डी है फाइव टाइप्स तो जनरली वेल्डिंग पोजिशन आपको पता है चार वेल्डिंग पोजिशन हरी जन, ये डाउन वेल्डिंग पोजिशन जैसे फ्लैट पोजिशन बोलते हैं हरिजेंटल वर्टिकल ओवर हेड और पांचवी है इंक्लाइन पोजिशन तो ऑप्शन होगा डी फाइव टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द वेल्डिंग पोजिशन ऑफ जे एम ए डब्ल्यू वेल्डिंग इफ द वेल्डिंग इज डिपोजिटेडिंडर साइड ऑफ द जॉब यदि वेल्ड को जॉब के नीचे जमा किया जाता है तो जे एम ए वेल्डिंग की स्थिति वेल्ड स्थिति क्या होगी ऑप्शन ए है वर्टिकल पोजिशन ऑप्शन बी है हरीजेंटल पोजिशन ऑप्शन सी है ओवर हेड पोजिशन ऑप्शन सी है डाउन हैंड पोजिशन तो जाप के जोड़ के नीचे में करना है मतलब इसे ओवर हेड पोजिशन से ही वेल्डिंग करना पड़ेगा तो ऑप्शन सी रहेगा ओवर हेड पोजिशन तो आंसर है ऑप्शन सी ओवर हेड पोजिशन नेक्स्ट क्वेश्चन वट टाइप ऑफ जाइंट आर मेड बाई द ग्रू वेल्ड इन जे एम ए वेल्डिंग जे एम ए वेल्डिंग में ग्रू वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जाइंट बनाए जाते हैं तो ऑप्शन ये है बर्टवेल्ड ऑप्शन बी है टी वेल्ड ऑप्शन सी है कार्नर वेल्ड ऑप्शन डी है लेफ्ट वेल्ड इसका आंसर होगा बर्टवेल्ड ऑप्शन ये इसका आंसर होगा Thank you.